अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्याम। टुडे वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो रिलेट करता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के, कि मैट्रिसेस को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू हैं तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वो क्या है। तो उसके लिए हमारे पास दो मैट्रिसेस का होना लाजमी है। तो डेफिनेशन है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ नंबर ऑफ कॉलम्स of A is equal to number of rows of B। के मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या जरूरी है कि जो हमारे पास एक दो मैट्रिसेस होने चाहिए A एंड B, और जो फर्स्ट मैट्रिस होगी A उसके हमने उसके कॉलम्स देखने हैं, उसके जो कॉलम्स हैं और जो मैट्रिक्स B है उसकी जो रोज हैं वो आपस में इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स में लिखी है ए इक्वल्स टू 1, 3, 2 एंड 1, ठीक है, और इसी तरह बी मैट्रिक्स है मेरे पास 4 एंड 1। यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसके हम लोग कॉलम देखते हैं, वो है हमारे पास 1 एंड 2 एक कॉलम हो गया, और 3, 1 इसका जो है वो सेकेंड कॉलम हो गया मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कितने कॉलम्स हो गए, 2, ठीक है। So columns of A equals to कितने हैं, 2। अब हमने क्या चेक करना है कि जो सेकंड मैट्रिक्स है B उसकी रोज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि जो B मैट्रिक्स है उसकी रोज भी इक्वल होनी चाहिए। इसकी रोज कितनी हमारे पास, एक ये रो है हमारे पास, ठीक है, सिमिलरली एक ये है हमारे पास रो, कितनी रोज होगी हमारे पास, 2 रोज। सो रोज ऑफ B equals to कितने हमारे पास, 2 रोज। इट्स मीन के जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A व्हिच इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ B व्हिच इक्वल्स टू 2, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ओके। सो जब यह कंडीशन होगी हमारे पास तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि A और B मैट्रिसेस दोनों किसके लिए है, कन्फर्मेबल मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। तो ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के, दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हो तो उनको हम लोग कैसे चेक करेंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि दो मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हो, ठीक है, और हम कैसे उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक मैंने आपके सामने दो मैट्रिसेस लिखी है, ठीक है, A equals to 1, 2, B equals to 2, 0, 3, 1। तो इसको सबसे पहले चेक करते हैं ये कन्फर्मेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए नंबर ऑफ कॉलम्स, या एक एक नंबर ऑफ कॉलम चेक करने, इसमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 2, 1 एंड 2, ये दो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। B जो मैट्रिक्स है उसकी हमने रोज चेक करनी है, तो रोज कितनी हमारे पास, एक ये रो हो गई हमारे पास 2, 0 एंड सेकेंड 3, 1, ये भी हमारे पास एक रोज, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए कन्फर्मेबल है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसका मल्टीप्लीकेशन के लिए जो प्रोसेस है, फर्स्ट रो जो हमारे पास ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस सेकेंड एंट्री हमारे पास क्या है, 2, और यहां पे सेकेंड एंट्री क्या है, 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। अब फर्स्ट रो क्या है हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये मेरे पास इसको मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको कि कैसे हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे। वन मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स टू टू प्लस थ्री टू सिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वन मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल टू जीरो प्लस टू वन टू। सो ए बी इक्वल्स टू सिक्स प्लस टू एट एंड जीरो प्लस टू इक्वल्स टू टू। तो हमारे पास जो दो मैट्रिसेस अगर हमारे पास गिवन हो तो उनको मल्टीप्लाई करने का ये प्रोसेस है। सिमिलरली अगर फॉर इसमें मैं कह सकता हूँ, अगर मेरे पास एक कॉलम और होता इसमें, ठीक है, या एक रो और होती हमारे पास, तो इसलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, अंडर इससे पहले हमने एसोसिएटिव लॉ पढ़ा था फॉर एडिशन, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो सेम वही चीज है सर, इसमें क्या होगा, इसका ए बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी सी। ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ए बी और सी तीनों मैट्रिसेस आपस में यानी कन्फर्मेबल होने चाहिए फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो उसका आंसर आएगा हमारे पास उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। सिमिलरली यहाँ से हम लोग यानी ब्रैकेट्स को पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तो बी सी को पहले हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे और जो उसका आंसर आएगा उसको ए के साथ। तो हमारे पास दोनों आंसर एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, तो वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड अभी तक आपने इसकी जो है वो मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली है और ऐड करना भी आपने सीख लिया है, प्लस करना भी सीख लिया। अब हमने ये बताना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला है कि ए को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है बी प्लस सी से इक्वल्स टू, अब ये ए बी से मल्टीप्लाई, यानी ए बी प्लस बी ए सी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा हो गया, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा है हमारे पास लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। राइट के लिए क्या होगा हमारे पास, यानी ए प्लस बी, और यहाँ राइट में हम लोगों ने कोई एक कोई भी मान लो वेरिएबल या कोई भी हमारे टर्म कुछ भी हम लोग साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो ए प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी। ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये हो गया फॉर एडिशन। और सिमिलरली यही चीज हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, कि ए इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस बी सी। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, फॉर सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली इसी का हम लोग दूसरा देख लेते हैं, जो वो क्या होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी ए माइनस बी और साथ में किसके साथ, सी को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या होगा, ए सी माइनस बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट हमारे पास आता है
कमोटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे हम लोगों ने कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन पढ़ा था, यहीं पे हम लोग कमोटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो कमोटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास वो है, लिख देता हूँ इसको, कमोटेटिव लॉ फॉर मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लिकेशन। बेसिकली जो हमारे पास हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था फॉर एडिशन के लिए, वो पढ़ा था हमने a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ए में b को प्लस करें या b में a को प्लस करें, दोनों के आंसर हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ फॉर फॉर एडिशन। अब होना क्या चाहिए, हम कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन की ए बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं आ सकता। सो इट्स मीन कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीसीज अंडर मल्टीप्लिकेशन वो है हमारे पास ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ये क्या है हमारे पास फॉर मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, जनरली क्या है हमारे पास। अब इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस आ सकती हैं, कोई ए और बी की वैल्यू सेम हो सकती है, कोई मैट्रिसेस ऐसी हों जिसमें उनकी वैल्यू सेम हो सकती है, तब ये ए बी इक्वल्स टू बी ए हो सकता है। बट इन जनरल अपने इतना याद रखना है कि भाई इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ फॉर मैट्रिसेस अंडर मल्टीप्लीकेशन। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग ग्रामर रूल और इन्वर्जन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक क्वेश्चन उसका सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग एक्सरसाइज की तरफ भी आएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई किसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से या फिर कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। सो Take care of yourself and goodbye.